भूल रही हो कि तुम्हारी इस घर में औकात क्या है। जब मैं तुम्हें गुनहगार साबित करूंगी ना, तभी मेरे दामन पे लगे दाग धुलेंगे और उनके छींटों से ना तुम दोनों खुद को नहीं बचा पाओ। जा रही हूं मैं इस घर से, मैं इस घर से जा रही हूं, लेकिन मैं इस घर में वापस जरूर आऊंगी और यह साबित करूंगी कि मामू जान ने मुझ पर जो भरोसा और एतबार किया था उसे मैंने कभी नहीं तोड़ा। तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर जो मुझे बदनाम साबित करने की कोशिश की थी ना, तो मैं गलत जरूर साबित करूंगी। मामू जान की मौत की जिम्मेदार मैं नहीं, तुम दोनों हो, ये साबित जरूर करूंगी मैं। मैं तो कहती हूं कि उसको ना धक्के देकर इस घर से बाहर करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए, मेरे हाथ बंधे हुए उस वादे से जो डैड ने जाने से पहले मुझसे लिया था। उन्होंने मुझ पर यह जिम्मेदारी डाली थी कि मैं रमशा का हमेशा ख्याल रखूं। आप अलीजे को समझाइए, मैं डैड से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। बेटा, अगर मुझे अंदाजा होता कि शीन को मेरा यहाँ आना इतना बुरा लगेगा तो मैं आती ही नहीं। I'm sorry उनकी तरफ से, लेकिन आप छोड़ें बस इन बातों को, दफा करें। मुझे ये बताएं कि चाचू कैसे हैं, वो ठीक हैं, और दुकान का क्या बना? ठीक है तुम्हारे चाचू, दुकान में थोड़ा नया माल डाले। तुम्हारे चाचू और शानी दोनों बस उसी में बिजी हैं। दुआ करो कि दुकान फिर से पहले की तरह जम जाए। इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। आप मुझे बताएं, चाय तो पियेंगे ना आप? अरे नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ कि तुम खुश तो हो ना? तुम्हारा ख्याल रखता है ना? जी चाची, बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है अफ़तान मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। माशाल्लाह। ये अलीज़े और अफ़शीन तुम्हें तंग तो करती होंगी ना? अफ़नान तुम्हारा ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर शौहर की सपोर्ट हो ना, तो औरत बड़े से बड़े तूफान का भी सामना कर जाती है। शुक्र है मेरी बच्ची। एनी का बताए मुझे? एनी तुम्हें बहुत याद करती है।
टेक ऑफ नान, मैं ये सारी बातें तुमसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, जाहिर बातें ही करेंगे ना। और वैसे भी शानी रमशा का सिर्फ कजन नहीं है, उसका सबका शौहर भी रह चुका है। देखो वैसे ही बहुत बातें बन चुकी हैं और मैं नहीं चाहती हूं कि अब इस लड़की को लेकर लोग इश्यू खड़ा करें। आधे से ज्यादा दुनिया तो जानती है तुम्हारी बीवी को ना। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनता है अफनान। पप्पू आप फिक्र न करें, मैं रमशा से बात करूं। बात करने की कोई जरूरत नहीं, उसको समझाओ कि कोई जरूरत नहीं है उन लोगों से अब रिश्तेदारी निभाने की। जिन्होंने कभी ना उसको सहारा दिया, ना मोहब्बत, ना अपनाइयत। और वो बदतमीज शानी, वो लड़का तो मुझे एक नजर नहीं भाता है। तुम भूल गए उसको? शादी के बाद उसके तेवर देखे थे? और उसने भाईजान से कितनी बदतमीजी की थी। ये बातें तुम भूल सकते हो, मैं नहीं अफनान।